हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा वाले फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा लेसन टू चल रहा था, तो लेसन टू में एक शानदार टॉपिक आज मैं कराने वाला हूँ आपको, विभव प्रवणता क्या होती है। फिर इसके बाद में हम सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध। या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध करो कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर हो जाती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। ओके, चलिएगा। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आता है, सब सीख जाओगे किस तरीके से आएगा, अभी मैं सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को सीखेंगे, परिभाषा है क्या। ठीक है, ऐसा समझिएगा कि मैं यहां से बात कर रहा हूं। देखिएगा, आप नॉर्मली एक चीज तो जानते होंगे, ये आपका कोई आवेश है और आवेश से यहां पर, यानी r दूरी की मैं बात करूं, यहां पर कोई बिंदु P है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ विभव होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। वो कितना विभव होगा वो हमने पहले ही बता रखी है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव निकालते हैं हम, 1/4πε0Q/r, इस सूत्र से हम निकालते हैं। ये चीज आपको पता है, बहुत भली भांति जानते होंगे, किसी आवेश के कारण बिंदु पर जो विभव होता है वो इतना होता है। ओके, अब जरा दिमाग से सोचो, इस विभव में और इस दूरी में क्या संबंध है। इस फॉर्मूले से ये चीज पता चल रही है कि ये जो विभव है इस क्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो विभव है ये आर नीचे आ रहा है तो ये 1/r के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जैसे जैसे क्यू का मान मैं बढ़ाऊंगा तो विभव का मान बढ़ेगा। मतलब जिस इस Q का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इस बिंदु पर विभव का मान बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज कि जैसे जैसे मैं इस दूरी को बढ़ाऊंगा तो विभव का मान कम होता जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे मैं इस दूरी को, आप ऐसे समझ लो यहाँ पर आग जल रही है, आग है आग, और आग पर जैसे अब यहाँ पे पास में हाथ रख रखे हैं तो ज्यादा गर्माहट महसूस होगी। दूर 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 जाते जाओगे तो आपको गर्माहट कम महसूस होती जाएगी। अब तुम सोच रहे हो कि भैया पाकिस्तान में आग जला के और अपने हिंदुस्तान में बैठ के ताप लो, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ पर देखिएगा, अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, मान लीजिए यहाँ से इस दूरी को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इस बिंदु पी को यहाँ पर लेकर चले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव में कुछ अंतर आ जाएगा, यानी विभव कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है विभव परिवर्तन। क्या होती है कि विभव दूरी परिवर्तन के साथ विभव भी परिवर्तित होता है। बस सिंपल सी भाषा में, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में भी परिवर्तन होता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम दूरी में परिवर्तन करेंगे तो विभव में भी परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, और ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे विपरीत, माइनस लगा दिया, माइनस यानी कि ये जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे विभव कम होगा, जैसे जैसे दूरी को कम करेंगे तो विभव ज्यादा होगा। तो यही चीज है यहां पर, देखिए अभी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको, पूरा डेरिवेशन करूंगा। जहां से परिभाषा आपकी कहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव हमने v मान लिया तो dv/dx माइनस लगा देंगे, या dv/ डेल्टा है या dv लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यही सूत्र हमको डिस्क्राइब करना है, यही सूत्र हम लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई कि आने की क्या है, सिंपल सी बात है, दो बातें याद कर लीजिएगा। विभव प्रवणता में क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत जल्दी इसको याद कर लीजिएगा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपका इसका सूत्र कराता हूं, यानी कि डेरिवेशन आपका कराता हूं। ठीक, अब मैं एक हेडिंग डाल ले रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, वैद्युत क्षेत्र तथा
देखिए एक छोटा सा चित्र आपको बनाना है, एक प्लस क्यू गुलाम बना दिया, यहाँ पर बिंदु ओ है, ओके। इससे आर दूरी पर एक मैं यहाँ पर कोई भी बिंदु मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बिंदु पी मान ले रहा हूँ, ये बिंदु पी है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखी जाएगी, बस इतनी सी थ्योरी लिखी जाएगी, माना हमारे पास एक प्लस क्यू गुलाम आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, माना हमारे पास एक क्यू कूलम आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा हुआ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब नई लाइन से लिखेंगे, माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, हमने क्या किया, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेकर आए। परीक्षण आवेश के बारे में आपको पता होगा, ये सूक्ष्म आवेश होता है, काल्पनिक आवेश होता है, ये धनात्मक आवेश होता है, तो ये भी धनात्मक आवेश है, ध्यान से समझ लीजिएगा। परीक्षण आवेश लेकर आएंगे, जब परीक्षण आवेश लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, एक यहाँ पर आवेश आ गया, तो दोनों के बीच में एक वैद्युत बल लगेगा, है कि नहीं। तो लिख देंगे परीक्षण आवेश लाने पर क्यू जीरो पर लगने वाला वैद्युत बल, क्यू जीरो पर कितना वैद्युत बल लगेगा भाई, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत बल आप जानते हो, ध्यान से समझिएगा, कि ये एक प्लस क्यू कूलम आवेश है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में यानी इसका मान मैंने ई मान लिया, यहां पर मैं कोई दूसरा आवेश लेकर आऊंगा, तो इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा, एफ बराबर क्यू ई, आप जानते हो क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना वैद्युत बल लगेगा, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है, और इस आवेश पर हमारा क्या लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, तो ये आ गया कितने न्यूटन का बल लगेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसका यूज होगा, ठीक है, ओके। अब बात चलती है आगे की, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि भैया इस थोड़े से हमें क्या निकालना था, हमको तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव में संबंध चाहिए। वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, वैद्युत विभव बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, यही सूत्र हमने बताया था इससे पहली वाली दो तीन वीडियो में, लगातार यही सूत्र चल रहा है, वैद्युत विभव अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है क्यू जीरो, तो अब हमको मतलब डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू मतलब हमने माना कि इस परीक्षण आवेश को थोड़ा सा सूक्ष्म विस्थापन, इसको थोड़ा सा हमने क्या करा, सूक्ष्म विस्थापन यानी कि डी आर, थोड़ा सा मैंने ये आर दूरी है तो थोड़ी सी दूरी मैंने खिसका दी और यहां पर ले आया पी बिंदु है, यहां पर मैं मान लिया इसको पी डैश, तो इसको मैं थोड़ा सा मैंने ये यहां से खिसका दिया, यानी कि ये यहां से यहां तक की दूरी डी आर मान ली मैंने, और इस क्यू आवेश को प्लस क्यू को सूक्ष्म विस्थापन यानी कि डी आर P बिंदु तक लाने में, यानी कि थोड़ा सा विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा, ये हम निकालेंगे। तो लिखेंगे हम यहां से, माना प्लस क्यू जीरो आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखिए यहां पर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं सीधी निकलती हैं, तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इधर की ओर होगी, और हम क्या कर रहे हैं, इस प्लस आवेश को इसके अंदर की साइड में लेकर आ रहे हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। माना प्लस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में डी आर विस्थापित करने में
किया गया कार्य, हमने मान लिया ये DW, मतलब थोड़ा सा विस्थापन कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, थोड़ा सा यहाँ पे था, थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो कितना कार्य किया गया वो हमने DW मान लिया। D का मतलब सूक्ष्म, ठीक है, थोड़ा सा विस्थापन किया तो थोड़ा सा कार्य, तो क्या हो जाएगा DW बराबर। नॉर्मली कार्य बराबर क्या होता है भाई, हमको निकालना है कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल इसमें यहां पर क्या है, यहां पर, यहां से यहां पर लगने वाला वैद्युत बल कितना है, F है, ओके, इनटू विस्थापन कितना, हमने थोड़ा सा विस्थापन किया है तो dr लगाएंगे, लेकिन यहां पर लगाएंगे माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे क्योंकि विस्थापन जो है आपका विपरीत दिशा में कर रहे हैं, विस्थापन विपरीत दिशा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है भाई, कोई ये जो आवेश है इधर बल लगा रहा है और हम उसके अगेंस्ट हम इसको इधर खींच रहे हैं, तो ऋणात्मक तो आ ही जाएगा, दिशा विपरीत होगी, माइनस कितना कार्य हो गया, बल का मान रख देंगे तो DW बराबर ये माइनस और इंटू Q0 इंटू BR, इसको समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है, ये समीकरण एक हो गया। अब नई लाइन से लिख दो, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं भाई, एक हमारे पास में सूत्र होता है B बराबर W/Q0, ये होता है, इससे क्या हो जाएगा, तो भैया यहां से हम DW का मान निकालेंगे, तो नॉर्मली हमारा इस सूत्र के अनुसार DV बराबर क्या हो जाएगा, DW/Q0 हो जाएगा, तो यहां से मैं DW निकालूंगा तो Q0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और DV आ जाएगा। अकॉर्डिंग विभव की परिभाषा से यहां पर DW, यानी कि यहां से हम तो इसके कारण जो विभव होगा वो, तो अब ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, इसके कारण इस वाले बिंदु पर कुछ ना कुछ विभव होगा, अब इस दूरी को थोड़ा सा कम कर दूं तो विभव में भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, वो विभव में अंतर कितना है DV, तो वो विभव में अंतर कितना आएगा कि यहां से यहां तक कितना कार्य किया जाएगा, और यहां का मतलब ये आवेश इसमें भाग कर देंगे तो ये थोड़ा सा विभव कम हो जाएगा, तो वो विभव में अंतर है ये, ठीक है, चलिएगा, ठीक है, ये आ गया। तो DW, इस DW का मान हम यहां पर, यानी यहां पर रख देंगे, बात खत्म, या ऊपर से समीकरण एक से DW का मान रखने पर, यहां पर हम DW का मान रख देंगे, तो ये वाला मान कितना है, माइनस EQ0 और DR बराबर, ये है Q0 और ये है DV, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, Q0 से ये Q0 कट जाएगा तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा DV/-DR, माइनस नीचे चला गया D, या E बराबर माइनस बाहर निकाल लेंगे DV/DR। क्या यही थी विभव परिवर्तन की परिभाषा, देख लो जरा कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम विभव परिवर्तन कहते हैं, और यही वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो यहां से नई लाइन से लिख दोगे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव परिवर्तन, ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर विभव परिवर्तन के बराबर होती है, यही चीज हमको सिद्ध करनी थी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन में आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करना, आपको सब कुछ समझ में आ गया। देखिए इस वाले सूत्र, ये विभव का सूत्र है, यहाँ पर मैंने डी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी हो जाएगा, यहाँ पर डी की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे समझ लो, तो DW का मान निकालूंगा तो क्यू की मल्टीप्लाई इधर, ये क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा विभव कम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।